हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण और ऑनलाइन ब्रोज में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में इसका बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको और एक इंटरडे ट्रेनिंग प्रैक्टिस के बारे में, इंटरडे प्रैक्टिस जो मैंने किया है तो और एक उससे मैं एक वीडियो बनाया था, करीब करीब ये 2 दिन पहले का वीडियो है। तो वीडियोस मैंने तभी अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत उल्टी सीधी नॉइज़ आती है, इसलिए मैं वीडियो को तभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं उसका वॉल्यूम को डाउन कर देता हूँ। तो बाद में जाके उसमें वॉइस डालता हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ, इसलिए देरी हो जाता है, नहीं तो उसी दिन का वीडियो मैं उसी दिन डाल सकता हूँ। तो मैंने आज इस वीडियो में मैंने टाटा मोटर्स का शेयर लिया है, करीब करीब मैंने 150 क्वांटिटी में लिया होगा, ठीक है। तो 150 क्वांटिटी में मैंने लॉस नहीं किया, प्रॉफिट मुझे क्यों हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर दिन प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी भुगतना पड़ता है कभी कभार। ये येस बैंक का शेयर भी आगे निकल जाएगा कुछ दिन के बाद ही, 231 में दिखा रहा है अभी, ये इसमें से 80 के करीब करीब पहुंच जाएगा येस बैंक का शेयर, भागने की तैयारी में है येस बैंक का शेयर। अशोक लेलैंड का भी तो खरीदना चाहिए, अभी भी खरीदने का मौका है, 90 रुपये का आसपास है, आप अशोक लेलैंड को करीब 110 के करीब तो जाएगा ज़रूर, अभी भी टाइम है, अगर कोई खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, मेरा एडवाइस है। दोनों देखिए, मैंने ले लिया था टाटा मोटर्स का, मैंने दिया हुआ है, ठीक है, टारगेट अभी भी पेंडिंग में है, 189 में, 120 रुपये मैंने दिया था, 189.20 पैसे में मैंने मेरा टारगेट मैंने मेरा लगा हुआ था टारगेट, जब भी 189.20 में पहुँचेगा तो मेरा वो बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मेरा तो बाय हो गया। ये देखिए 150 क्वान्टिटी का, 170 क्वांटिटी अभी भी लॉस में है, 15.07, लेकिन लॉस नहीं हुआ है, मैंने सोच समझ के बहुत देर तक वेट किया, उसके बाद जाके इसको लिया था। तो मैं अभी स्टॉप लॉस लगा दिया कि मुझे इससे नीचे मुझे लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये बहुत नीचे अचानक गिर जाए तो मेरा उसी अमाउंट पे वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मुझे उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको नुकसान कितना आप उठा सकते हो उसका टारगेट आप ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। अभी ये ऊपर में उठेगा शायद, इंटरटेनमेंट ट्रेडिंग अगर आप हर दिन करते हो थोड़ा थोड़ा करके तो जाहिर सी बात है आपको भी प्रैक्टिस हो सकता है और आप भी पैसे आगे चल के लगा सकते हो। देखिए अभी मुझे प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं इन छोटे छोटे प्रॉफिट में अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोशिश भी है कि आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकूँ, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि मैं अभी एक साथ में मैं पैसे को डाल के बेवकूफ की तरह पैसे को लॉस में भी उठाऊं। तो अभी पैसन रखना पड़ेगा, पैसन नहीं रखेंगे तो आगे चल के
शायद पैसा ही ना बचे कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है। मैं हर हफ्ते में 2 बार शायद कर पाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, एक बृहस्पतिवार को और एक शायद और हफ्ते में किसी किसी भी दिन अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं करता हूँ, लेकिन बाकी दिन मैं काम में रहता हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो मैं हर दिन प्रैक्टिस करता ज़रूर। देखिए मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस था, 3525 रुपया था, और मेरा आधा आधा से भी थोड़ा ज़्यादा मेरा बैलेंस इस शेयर को परचेस में लग गया है। ठीक है, 150 क्वांटिटी का को बर्गर, ये ऐप को जो काइट है, जो जीरोदा का जो अकाउंट है, इसके बारे में मैं आगे चल के एक वीडियो बना दूंगा आपको, अगर यूट्यूब में भी है लेकिन फिर भी अगर मेरे मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इसे यूज़ करने के लिए, और जीरोदा में सबसे ज़्यादा कम ब्रोकरेज चार्ज लगती है इसलिए मैंने जीरोदा से लगाऊँ। अभी बहुत सारे कंपनियाँ खुल चुकी है मार्केट में जो आपको और भी कम ब्रोकरेज में देता है। जीरोदा तो अभी इंडिया में टॉप 1 पे होगा शायद, आप स्टॉक भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ा है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा वाला आप ले सकते हो। देखिए मेरा प्रॉफिट में ज़्यादा उछल रहा है, तो मैंने सोचा था कि इसे रख दूंगा बहुत देर तक, ये दोनों लाइन ही ग्रीन हुआ है, हुआ तो तीसरा लाइन भी ग्रीन होगा ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं तीसरी लाइन का बनने का वेट करता हूँ। देखिए ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है ना आपको, दोनों ही ग्रीन हो चुका है करीब करीब, ये सेकंड पोजीशन वाला जो ग्रीन बन रहा है, अगर ये ग्रीन हो गया तो मान लेना तीसरा भी शायद ग्रीन हो सकता है। ये कैंडल का चार्ट पढ़ने के लिए बहुत वीडियोस है यूट्यूब में, आप देखिए इसके बाद जाके कैंडल को वॉच कीजिए, कैंडल के सहारे भी आप लगा सकते हो, इसमें बहुत कुछ छुपा है, इसे देख कर ही आप पता लगा सकते हो भागे चल के कि किस पोजीशन पे ये गिर सकता है, किस पोजीशन पे ये उठ सकता है। तो जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में ऐसे ही इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा सा देख लो सीखो पहले, उसके बाद जाके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा रिस्क मत लेना, पैसे को बचाना सीखो, पैसे नहीं बचाओगे तो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। देखिए दूसरा लाइन भी ग्रीन हो चुका है, अब तीसरी के लिए मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता है ये तीसरा लाइन, ये तीसरा लाइन भी ग्रीन होगा। आप लोग देखते रहना, ठीक है, ये तीसरा लाइन भी ग्रीन होगा। मैं अपना टारगेट को चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ है मैं उसे लेके नहीं निकलूँगा, लेकिन हाँ मुझे लॉस भी नहीं चाहिए। ये देखिए 89.20 में लिया था, अभी 89.85 चला गया। देखिए मेरा फोर्थ 3 नंबर भी ग्रीन हुआ है, मैंने बोला था ना आपको ग्रीन ही होगा, तीन तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो भी ग्रीन हो सकता है। अब देखिएगा चार्ट को एक बार देख लेना पहले कि कैसे वर्क करता है ये सब, चार्ट को पढ़ना सीखिए पहले इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो। जब मुझे दिख रहा है कि यार ये ऊपर नहीं जा रहा है तो तभी मैं ऐसे निकल जाऊंगा। अभी मैं निकल गया इधर से, सॉरी 113 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 120 का नहीं जा पाया था, 120 नहीं 127 भी हो सकता था अगर मैं पहले ही मैं इसमें निकल जाता। तो ऐसे सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और भी
और भी ऑनलाइन चैनल से भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ किसी भी टाइप का, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और मैंने जो वो बटन दबाया था चैनल, मैंने गलती से, मुझे मेरे से दब गया था वो कैंसिल का, एग्ज़िट होने का, नहीं तो ये 95 तक जाएगा, 190.95 तक जा सकता है ये, ठीक है। बहुत प्रॉफिट हुआ था उस टाइम, मुझे मेरे हाथ से गलती से ये दब गया था। उसी के लिए मैं रुका हूँ, देखिए मुझे 113 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये गलती से मेरे से दब गया था, अभी मुझे याद आया इसलिए मैं बोल रहा था। जब पैसा लगा होता ना, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, इसी सोच में मैंने गलती से दबा दिया था, और ये मैंने सकुलेंट पे भी इन्वेस्ट किया था। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मुझे 2000 का प्रॉफिट है, ये करीब करीब 2 हफ्ते के बाद है, 2 हफ्ते के इन्वेस्टमेंट है मेरा।